नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज। यातायात माह नवंबर की शुरुआत सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने हरी झंडी दिखा कर की। इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, साथ ही जिले के पुलिस के जवानों ने ट्रैफिक से संबंधित जानकारियां की तख्तियां हाथों में लेकर शहर में मार्च भी किया। मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने कहा कि नवंबर माह यातायात के तौर पर मनाया जाता है। इस माह में ट्रैफिक को लेकर पुलिस और अधिक सतर्क रहती है, साथ ही इस माह में ट्रैफिक से संबंधित विभिन्न कार्यकर्ताओं का आयोजन कर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाता है। पुलिस कप्तान ने कहा कि स्कूलों में भी ट्रैफिक जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन कर छात्र छात्राओं को ट्रैफिक के नियमों और सिग्नल की जानकारी दी जाएगी, साथ ही जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, हर वर्ष की भांति नवंबर का पूरा माह डेडिकेटेड होता है यातायात के लिए और आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। साड़ी की तरफ हम लोग जाएंगे, इसमें एक रैली, मोटरसाइकिल की रैली हम लोगों के द्वारा निकाली गई है, जिससे जन जागृति फैलाई जाएगी, लोगों को जो ट्रैफिक के नियम हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा और जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है समन की और चालान की कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें स्कूल कॉलेजेस में जाके भी हम लोगों के जो पुलिस कर्मचारी हैं, ट्रैफिक के जो विभाग के कर्मचारी हैं, वो लोग जाकर कानून के प्रावधान IPC के और मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। जो विभिन्न तरीके के साइन सिग्नल्स हैं ट्रैफिक से संबंधित उनके बारे में जाकर बताएंगे जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का उद्देश्य ये रहेगा कि अच्छा व्यवहार आम जनमानस के साथ करते हुए जो हमारा सरकारी कार्य है जो ट्रैफिक के नियमों का पालन कराना है वो कराएं और लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उनको मोटिवेट करें ताकि वो खुद ब खुद ट्रैफिक के नियमों को अनुपालन करना शुरू करें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा।